व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, माने कि एक प्रोजेक्ट में ज्यादातर क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट फॉर इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जो कि कहलाता है कैपिटल कॉस्ट, और उसके अलावा सीरीज ऑफ एनुअल कॉस्ट या कॉस्ट सेविंग ऑपरेशन पर, एनर्जी पर, मेंटेनेंस पर, जितनी भी देर की ये लाइफ है, जितने भी सालों की किसी प्रोजेक्ट की लाइफ है, ये दोनों हमें कैलकुलेट करनी होती है। ये इंक्लूडेड होते हैं रुपीज में, इन टर्म्स ऑफ रुपीज इन कॉस्ट। तो किसी भी प्रोजेक्ट की फेजिबिलिटी एक्सेस करने के लिए ये सारे प्रेजेंट और फ्यूचर कैश फ्लोज, वेदर इट इज इनकमिंग और आउटगोइंग, दे मस्ट बी इक्वेटेड ऑन अ कॉमन बेस। पर क्या होता है, प्रॉब्लम विथ इक्वेटिंग कैश फ्लोज जो कि अलग अलग टाइम पर अकर हो रहे हैं, एक आज है, एक 4 साल बाद है, एक 10 साल बाद है, तो वो डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू विथ टाइम इज चेंजिंग फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो जो भी मैथड्स हैं जो कि वेरियस कैश फ्लोज को रिलेट करती हैं इन प्रेजेंट टाइम, इन फ्यूचर टाइम, आर कॉल्ड डिस्काउंटिंग और दी प्रेजेंट वैल्यू मैथड। तो इसको और सिंपल वे में यदि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें, आपने बैंक में आज 100 रुपये डिपॉजिट किए और बैंक से आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। दिस 100 रुपी विल बी वर्थ 110 रुपी इन 1 ईयर्स टाइम, क्योंकि 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया, 10 रुपए, तो 100 से ये बढ़ के हो गए 110 रुपए। तो ये जो 110 रुपए 1 साल में है, ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट 100 रुपी। तो ये दोनों इक्वेलेंट हो गई, टूडेज 100 इज इक्वल टू 110 आफ्टर 1 ईयर। इसी तरह अगर हमारे पास 1 साल के बाद 100 रुपए रिसीव हो रहे हैं कहीं, उसकी आज की वैल्यू यदि हम 10% इंटरेस्ट पे निकालेंगे तो दैट वुड बी 90.91 रुपी। माने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 100 रुपी ऑफ फ्यूचर इज इक्वल टू 90.91, अगर हमारे पास 10% इंटरेस्ट मिल रहा था या 10% डिस्काउंटिंग पे। सो दिस 90.91 इज रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 कैश फ्लो, है ना। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट यदि अलग भी हो, 10% से अलग हो, तो इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू विल आल्सो बी चेंजिंग, फ्यूचर वैल्यू विल आल्सो बी चेंजिंग। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू को हम एक इक्वेशन से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसको हम लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू, इसको हम यदि रिप्रेजेंट करें बाय एफ वी, दिस कैन बी गिवेन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम लिख सकते हैं एन पी वी, इन इंटू 1 प्लस i रेस टू n। यहां पर एफ वी इज फ्यूचर वैल्यू एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन एज एन पी वी, और यहाँ i जो है वो इंटरेस्ट या डिस्काउंट रेट होगा। और n जो है दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स इन द फ्यूचर। तो इस तरह से हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू दी है, समय दिया है और इंटरेस्ट रेट दिया है। और यदि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो दी है तो उससे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो इसी फॉर्मूला से हम कैसे निकाल सकते हैं, एन पी वी कैन बी गिवेन एज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस i रेस टू n, इससे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। अब इन दोनों मेथड्स को, वेदर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है या नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, वो हम आने वाले सेक्शंस में और डिटेल्स में समझेंगे।